अति प्राचीन स्टैचू चौराहे पर लगी महाराजा वेंकट रमन सिंह की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया अज्ञात चोरों ने। तलवार और लगाम हुए खंडित, रीवा शहर की पहचान है ये प्रतिमा। अति प्राचीन स्टैचू चौराहे पर लगी महाराज वेंकट रमन सिंह की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया अज्ञात चोरों ने। तलवार और लगाम हुए खंडित, रीवा शहर की पहचान है यह प्रतिमा। ऐतिहासिक स्टैचू चौराहे पर लगी महाराज वेंकट रमन सिंह की प्रतिमा को खंडित करने का किया प्रयास। तलवार और लगाम हुए खंडित, रीवा का स्टैचू चौराहा अरसे से महाराज वेंकट रमन सिंह की प्रतिमा को लेकर जाना पहचाना जाता है। रीवा ही नहीं, रीवा को जानने पहचाने वाले भी स्टैचू चौराहे को महाराज वेंकट रमन सिंह की प्रतिमा के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। उन्हीं वेंकट रमन सिंह की प्रतिमा को शनिवार की रात को किसी ने खंडित करने का प्रयास किया है। ऐसा लगता है तलवार चुराने की कोशिश की गई, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो पाया। काफी ऊंची है प्रतिमा, इस प्रतिमा पर अकेले चढ़ पाना संभव नहीं। निश्चित रूप से इस जगह पर चोरी करने के लिए कई लोगों का गिरोह रहा होगा, एक अकेले आदमी के बस की बात नहीं है। हालांकि यहाँ पर ट्रैफिक का आना जाना लगभग 24 घंटे ही रहता है, देर रात भी लोग यहाँ से निकलते रहते हैं। शहर के सबसे मुख्य चौराहे में से एक रीवा के स्टैचू चौराहे में लगी महाराज वेंकट रमन सिंह की प्रतिमा को छेड़छाड़ को लेकर लोगों में आक्रोश भी नजर आ सकता है। राज परिवार से जुड़ा हुआ मामला, हर साल दशहरे के पहले यहाँ पर प्रतिमा का रंग रोगन किया जाता है, साफ सफाई की जाती है। फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरीके का चौकीदार का इंतजाम नहीं था, शायद यह बात चोर अच्छी तरीके से जानता। तभी उसने इतनी हिम्मत दिखाई और पहुंच गया बीच चौराहे पर लगी महाराज वेंकट रमन सिंह की प्रतिमा पर चोरी करने की नीयत से। बामुश्किल वह ऊपर तक चढ़ पाया होगा, कभी कोई वहां से निकला होगा और डर के मारे चोर भाग गया होगा। हमने एक प्रत्यक्षदर्शी और नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते से इस बारे में बात करने की कोशिश की। हम आपको बता दें, रीवा शहर की शान माना जाता है स्टैचू चौराहे पर लगी हुई महाराज वेंकट रमन सिंह की प्रतिमा को। वहां पर प्रतिमा को खंडित करना निश्चित रूप से ये एक चोर का दुस्साहसिक कदम कहा जा सकता है। हालांकि तलवार और लगाम ही थोड़े से खंडित हुए हैं, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी बड़ी घटना मानी जा सकती है, जिस तरीके से स्टैचू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। सुनिए एक प्रत्यक्षदर्शी और नगर निगम कर्मी क्या कुछ कह रहा है। तो कैसे आपको पता चला? हम सुबह यहाँ पे देख रहे थे, घूम रहे थे, देखे तो कि भाई यहाँ से तलवार टूटी टाइप की दिखी, तो हमने सबसे पूछा, बोले वो तलवार तो थी लेकिन टूटी थी, तो हमने बोले पट्टा भी ढीला टाइप लग रहा है। कोई हमने सबसे पूछा, बोले भाई ये लगता है चोरी वोरी हुई है। हम बोले हम कितनी जानकारी तो है नहीं इतनी ज़्यादा, मैंने नहीं दी भैया, हम खुद ही घबरा था। बोले भाई पहले मीडिया को बता दें या नगर निगम कर्मचारियों को बता दें, तभी उसके बाद हम आगे बढ़ें। देखिए अभी एक यहाँ बिल्डिंग गिर रही थी, जर्जर भवन था, वहाँ हम गए थे, वहीं पता चला कि स्टैचू चौराहे में घोड़े की वो हो गई है, चोरी हुई है। अभी हम लोग देखने आए थे, उसकी तलवार कटी हुई है और उसके जो वो लगी थी लगाम, उसको भी खींचने की लगता है कोशिश किया गया है। और पता नहीं कैसे ये लोग चढ़े हैं, अभी बगैर सीढ़ी के इस पर चढ़ना संभव नहीं है। अभी कई लोग रहे होंगे ऐसा स्वस्थ होता है। तो पहले इसकी एक सिला पट्टिका भी चोरी हो चुकी है, जिसकी शिकायत हो चुकी है, क्या इसके सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई इंतजाम नहीं है? अब सुरक्षा व्यवस्था ये क्योंकि हाइट में ये बना था, बाकी ये ग्रिल उल यहाँ लगी हुई है, बाकी अलग से इंस्पेक्टर कोई सुरक्षा व्यवस्था तो नहीं है। इसकी शिकायत किसके तौर पर की जाएगी, थाने में की गई है, ये जानकारी मिली है कि नहीं? नहीं, ये हम लोगों को भी कोई जानकारी नहीं मिली। ये शासकीय संपत्ति है, ये जो है वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दी गई है कि ऐसा कुछ हुआ। तलवार तोड़ने का क्या कारण होगा, काहे कि बहुमूल्य है या दरअसल ये बहुत पुरानी चीज़ है और ये बहुमूल होगी अवश्य, इसलिए पुराने जो ये स्टैचू वगैरह बनते थे सब स्वभाव के बनते थे, ऐसा लोगों का कहना है, तो ये कीमती ज़रूर होगी और पुरानी धरोहर है ये।